Welcome you all, Rajas English class. We are in spoken English series. Now we are on the verge of part 4. How to speak. We have to know how to speak. After knowing what to speak in English, one must and should know how to speak. Jone kon kohibo janila pare setikire spoken English kamo sar nahi ame kipari kohiba उच्चारण केमिति करिबा स्वराघात केमिति करिबा ध्वनिम केमिति करिबा प्रोनाउंसिएशन वर्ड र केमिति जानिबा सेथिबे आमे हाउ टू स्पीक जानिबा छी हाउ टू स्पीक रे छी थस सिलेबल इंटोनेशन ऑन ठस चाप सिलेबल पदांश इंटोनेशन प्रकाशित कंठर भाव कंठर स्वर फोनेम ध्वनि विज्ञान तो आमे हाउ टू स्पीक रे आमे ए तीनटा जिनिष को गुरुत्व देवा निहाती जेहेतु आमे व्हाट टू स्पीक जान सारले बर्तमान आमे हाउ टू स्पीक किपरि इंग्राजी कहिबा जने जदियो टेंस स्ट्रक्चर वॉइस टेंस सब जानले मध्य जने प्रॉपर इंग्राजी कहि परिबो नाही अनलेस अंटिल he or she know the stress syllable intonation and phoneme stress intonation phoneme janla pare ame kipori kahiba aram se kahibo to bartaman ame arambha kariba stress now we will discuss about the stress what is stress to emphasize importance to something the comparatively greater amount of force that is used in the pronunciation of a particular syllable Stressed syllable is preceded by a stroke, vertical mark on the top. For example, इमिति लिखा है तो teacher. तो इडिया में stress दो जो teacher. तो तीर पूर्व रो उन्हें vertical mark थी वो that is called stroke. Stressed में fall first, last or any syllable in the world. Stress सब बोले आरंभ में थी वो कि मध्य में थी वो बोले बोले सेसर थी वो सेसर पूर्व रो तेनो स्ट्रेस मे फॉल फर्स्ट लास्ट और एनी सिलेबल इन द वर्ल्ड सिलेबल इज ए यूनिट टिपिकली विद ए वॉल इन सेंटर फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस ऑन फर्स्ट सिलेबल कॉल एज सक्सेस स्ट्रेस ऑन सेकेंड सिलेबल About account. Stress on third syllable. Disappoint. Entertain. And rules of stress is stress on last syllable words end in E-I-O-N. For example, education and words end in ICALLY equally for example grammatically GRAM compound words both elements stress headmaster in compound word both element stressed Hut, master, and in prefix, if re sound first syllable recognized. If re sound first, if re sound second syllable recollect. If re sound in second syllable recollect. And prefix ex if I sound second syllable express for example express if I ex sound in second example and prefix if ment sound first ornament or
इफ मेंट साउंड सेकंड सिलेबल सीमेंट, हियर मेंट साउंड सेकंड सिलेबल सीमेंट. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर स्ट्रेस. सो एट द टाइम ऑफ स्पोकन इंग्लिश वी मस्ट नो अबाउट द स्ट्रेस सो दैट वी कैन पुट स्ट्रेस व्हेन वी प्रोनाउंस इट ए वर्ड लाइक कॉलेज सक्सेस अबाउट ए काउंट डिसअपॉइंट एंटरटेन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड दीज आर द रूल्स ऑफ स्ट्रेस. नाउ वी शुड गो फॉर इंटोनेशन. नाउ इन द पार्ट हाउ टू स्पीक वी शुड गो फॉर इंटोनेशन. वी हैव डिस्कस्ड स्ट्रेस सिलेबल. नाउ इंटोनेशन. व्हाट इज इंटोनेशन? इंटोनेशन इज द राइज एंड फॉल ऑफ द पिच ऑफ द वॉइस एंड स्पीच. कहला वे आमे टिके उच्चा स्वर नीचा स्वर ए दुईटा को आमे इंटोनेशन कहवा. तो फॉलिंग टोन एंड राइजिंग टोन. फॉलिंग टोन रो चिन्ह हला इमिति चिन्ह थिबो. राइजिंग टोन रो बढ़िबा चिन्ह. एटी आमे कहला वो टोन फॉल कहवा तय पकेर कथा हवा. एटी टोन राइज करबा. तो केउ केउ परिस्थिति रे फर्स्ट ला फॉलिंग टोन पे टोन पकेबा हम केतो है स्टेटमेंट जतो है कंप्लीट थिबो. डबल एज क्वेश्चन जतो थिबो कमांड जतो थिबो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस थिबो क्वेश्चन टैग थिबो जतो कि इफ नो इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन नथिबो. तो राइजिंग टोन केतो है जतो है स्टेटमेंट इनकम्प्लीट थिबो यस नो क्वेश्चन थिबो फ्रेंडली डबल एज क्वेश्चन थिबो रिक्वेस्ट थिबो क्वेश्चन टैग फॉर इन्फॉर्मेशन थिबो. मु किछि एग्जांपल देखौछि. फॉर एग्जांपल इट वाज विंटर. एटा ला पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट जोटा कि कंप्लीट हेगिर अछि स्टेटमेंट. एपटे राइजिंग स्टोन पै इनकम्प्लीट जोटा कि फॉर एग्जांपल व्हेन आई वेंट आगरा इट वाज विंटर. एटा कहला हो व्हेन आई वेंट टू आगरा तो इनकम्प्लीट लागछि तेन करे दिस इज राइजिंग टोन. तापर दुई नंबर ला डबल एज क्वेश्चन. हु आर यू डबल एज क्वेश्चन तो फॉलिंग टोन. जनरली आमे हु आर यू तो टोन पके गिर कयो हु आर यू तो फॉलिंग टोन. एपट देछि यस नो क्वेश्चन डिड यू इट यस नो क्वेश्चन. तापर देले कमांड गो स्लो. इट इज ए कमांड फॉलिंग टोन. एंड हियर फ्रेंडली डबल एच क्वेश्चन हाउ इज योर फादर. दो इट स्टार्ट फ्रॉम हेच स्टिल इट कम्स अंडर डबल एच वर्ड. फ्रेंडली डबल एच क्वेश्चन हाउ इज योर फादर. इट इज ए फ्रेंडली डबल एच क्वेश्चन. सो वी शुड राइज अवर टोन हियर. देन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. व्हाट ए लवली बुक. सो हियर व्हेन वी स्पीक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वी शुड फॉलो अवर टोन. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट ए लवली बुक. एंड हियर रिक्वेस्ट प्लीज गो डाउन. प्लीज गो डाउन. हियर वी शुड राइज अवर टोन रिक्वेस्ट. एंड लास्ट क्वेश्चन टैग He is good. Is not he? Here we should follow our tone. Because if no information, here there is no information. So we should follow our tone. Here question tag for information. It is good. Is not it? So here information. We should rise our tone. Here no information. We should fall our tone. बर्तमान आमे किछु एग्जांपल दिया गला जोठि कि आमे टोन को फॉल करबा आ टोन को राइज करबा. जोठि कि स्टेटमेंट इनकम्प्लीट अछि जोठि कि डबल एज क्वेश्चन यूज होछि जोठि कमांड यूज होछि जोठि कि आश्चर्य वाक्य को आउछि जोठि कि क्वेश्चन टैग इन्फॉर्मेशन नथौ को आउछि सतबे आमे टोन को फॉल करबा. जोठि कि सेंटेंस इनकम्प्लीट थाउछि
ଯେଉଁଠି କି ୟେସ୍ ନୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ରେ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଥାଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ ପଚାରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଟୋନ୍କୁ ରାଇଜ୍ କରିବା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଆୱାର୍ ଇଣ୍ଟୋନେସନ୍। ଇଣ୍ଟୋନେସନ୍ ଜାଣିଲେ ଆମେ ସ୍ୱରର, କଣ୍ଠସ୍ୱରର ଭାବ ତାକୁ ଧରିକି ଜଣେ ସହଜରେ ବୁଝିହେବ। ତେଣୁ ୱେନ୍ ୱି ଗୋ ଥ୍ରୁ ଦ ସ୍ପୋକନ୍ ଇଂଲିଶ ୱି ସୁଡ୍ ନୋ ଆବାଉଟ୍ ଦ ଇଣ୍ଟୋନେସନ୍, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଇଜିଲି ଆୱେର୍, ୱି କ୍ୟାନ୍ ଇଜିଲି ନୋ ହାଉ ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ନାଓ ଦ ଥାର୍ଡ ୱାନ୍, ହାଉ ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଫୋନେମ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଫୋନେମ୍? ଦ ବେସିକ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଆଲ୍ଫାବେଟ୍ ଇନ୍ ଫୋନେମ୍ ଇଜ୍ ଫୋନେମ୍। ଦି ବେସିକ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଆଲ୍ଫାବେଟ୍ ଇଜ୍ ଫୋନେମ୍। ଫୋନେମ୍ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ବେସିକ୍ ସାଉଣ୍ଡକୁ ଆଲ୍ଫାବେଟ୍ର ତାକୁ ଫୋନେମ୍ କହନ୍ତି। ଇଂରାଜୀରେ ଯଦିଓ ଆମ ପାଖରେ 26 ଲେଟର ଅଛି ଏ ରୁ ଜେଡ୍ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଦେର୍ ଆର୍ 44 ବେସିକ୍ ସାଉଣ୍ଡ, 44 ବେସିକ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି। ତ ସେଇ ବେସିକ୍ ସାଉଣ୍ଡରୁ ଆମେ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ଯେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡର ଉଚ୍ଚାରଣ। ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ଏମିତି ଲେଖାଯାଉଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍? କେତେଜଣ କହନ୍ତି ଏଇଟାକୁ କପ୍, କେତେଜଣ କପ୍, କେତେଜଣ କପ୍, କେତେଜଣ କୁପ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍? ଯଦି ଆମେ ଯୁକ୍ତି କରିବା ଯେ ଆମକୁ ଅମୁକ ଲୋକ କହିଲା, ଅମୁକ ଲୋକ କହିଲା, ହୁ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ଆଜ୍ ଦ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍? ରିମେମ୍ବର ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ୍, ଡିକ୍ସନାରୀ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ଆଜ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍। ଡିକ୍ସନାରୀ ଆମକୁ ସଠିକ୍ ଉଚ୍ଚାରଣର ସୂତ୍ର ବତେଇବ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଣ ଜାଣିବାର ଅଛି? ଏଇଟା ଡିକ୍ସନାରୀ କଣ କହିବ, ଏଇଟାକୁ କଣ କହିବେ, ଡିକ୍ସନାରୀ କେମିତି ଜାଣିବା, କିଏ କପ୍ କହିବେ, କିଏ କାପ୍ କହିବେ, କିଏ କୁପ୍ କହିବେ? କିନ୍ତୁ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏହା କେମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତ ଏଇଟା ହେଲା କ, ଏଇଟା ହେଲା କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକାର, ଏଇଟା ହେଲା ପ, କକୁ ଆକାର ଦେଲେ କାପ୍। ତ ସେଥିରୁ ଆମେ ଏଇଟା କାପ୍ ବୋଲି ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦଉଛି, ଆମେ ଜେନେରାଲି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ଏହାକୁ ପଢିବାକୁ କହିଲେ ସେ ପଢିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ପଢିବ। ବଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିକଜ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଖ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ, ଇଂରାଜୀରେ ଖ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଯେକୌଣସି ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ଖରେ କରିବା ତ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଇଂରାଜୀରେ ଖ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମ ଇଂରାଜୀରେ ଯଦିଓ 26 ଅକ୍ଷର ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ 44 ବେସିକ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି। ତ ଆମେ ସେ ଯୋଉ ବେସିକ୍ ସାଉଣ୍ଡକୁ, ସେ ଯୋଉ ସିମ୍ବଲକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଛି। ଯଦି ସିମ୍ବଲକୁ ଆମେ ଜାଣିଯିବା ତ ସହଜରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବା। ୱି କ୍ୟାନ୍ ଗେଟ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଇଫ୍ ୱି ନୋ ଦ 44 ସିମ୍ବଲ୍ସ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ରିଫର୍ ଦ ଡିକ୍ସନାରୀ ଆଣ୍ଡ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଗେଟ୍ ଦ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଅର୍ ରାଇଟ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ୱାର୍ଡ। ତେଣୁକରି 44 44 ସାଉଣ୍ଡକୁ, 44 ସିମ୍ବଲକୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ସହିତ ଲିଙ୍କ କରାଇ ତାକୁ ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ସେ ଚାର୍ଟକୁ ଦେଖିଲେ ଯଦି ସହଜରେ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚାର୍ଟରେ ଭଏଲ, ପିଓର ଭଏଲ 12 ଅଛି, ଡିପ୍ ଥଙ୍ଗ 8। ପିଓର ଭଏଲ ହେଲା 1-12, ଆଇ ଇ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପିଟ୍, ସିଟିଂ, ଲିଷ୍ଟ, କିଟ୍, ଫିଟ୍। ତାପରେ 2 ଇ ବଜା ଚିହ୍ନ ଥିବ, ତାକୁ ଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ଏ ଛୋଟ, ଏ ପେଟ, ମେଟ, ରେଟ, ସେଡ, ମେଟ, ବେଟ। ତାପରେ 3 ଏ ଆଉ ଇ ମିଶିବା ଚିହ୍ନ ଦେଖିଥିବେ, ତାକୁ ୟା, ପ୍ୟାଟ, କ୍ୟାଟ, ବ୍ୟାଟ, ମ୍ୟାଗ। ତାପରେ 4 ହେଲା ଉଲ୍ଟା ଏ ବଜା ଦେଖୁଥିବେ, ତାକୁ ଓ ବଡ଼ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ପଟ, ହଟ, ଡଟ, ସଟ, ସଟ ପଡ଼ିବେ। ତାପରେ 5 ହେଲା ଉଲ୍ଟା ଭି ବଜା ଅଛି, ଏଇଟା ଆକାର, କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକାର, ଛୋଟ ଆ, ଲମ୍ବା ଆନେ, ଲାକ୍, କାପ୍, ଟ୍ରାକ୍, ଟର୍ନ, ବନ୍। ତାପରେ 6 ହେଲା ୟୁ, ଉକାର, ଗୁଡ୍, କୁଡ୍, ଉଲ୍, ଉଡ୍, ଓମାନ୍। ତାପରେ 7 ହେଲା ଉଲ୍ଟା ଇ ଅଛି, ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ, ଏ ଗୋ, ଏ ୱେ, ଏ ଟାକ୍, ଏନି ୱେ। ତାପରେ 8 ହେଲା ଆଇ, 2 ଡଟ୍ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ଦୀର୍ଘ ଇକାର, ମିଟ୍, ସି, ଡ୍ରିମ୍, ସି, ଲମ୍ବେବେ। ତାପରେ 9 ହେଉଛି ଏ ସହିତ 2 ଡଟ୍, ଆ ଦୀର୍ଘ, ଲମ୍ବା ହେବ, କାର୍, ଫାଦର, ବାର୍, ଫାର୍ମର। 10 ହେଲା 3 ବଜାଇକିରି 2 ଡଟ୍ ଥିବ, ଓ ଦୀର୍ଘ, ଡୋର୍, ଫୋର୍, ବୋର୍, ମୋର୍। 11 ହେଲା ଏ ଯୋଉ ସିମ୍ବଲ୍ ଅଛି, ଓ ଦୀର୍ଘ, ଗର୍ଲ, ଲର୍ନ, ଟର୍ନ, ବଟ୍।
बार्नोवर्ला यू सहित दुटा डट दीर्घ उकार टू ब्लू क्लू ट्रू तापर तेर रु कोड़े हला डिप्थंग डिप्थंग टंग ग्लाइड्स फ्रॉम वन यूनिट टू अदर एटी ए आई ओए ईए ए वो आउ आउ ओडिया सहित सिंबलाइज कराई आपण माने पढ़ला परे ए जो सिंबल सहित ई जो साउंड इन ओडिया को लिंक करबे एवं डिक्शनरी जदि रिफर करले प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट वर्ड जानि परबे फॉर एग्जांपल एस आमे साधारणत दिस लिखुचो टी एच आई एन जदि टी एच सहित आई जोग हला तो दो को इकारे दि सला तो टी एच सहित आई जो कहले दिन हवा कथा किंतु एटा होचु आमे थिन बोली पढ़चु एटा के आमे दिस बोली पढ़चु हाउ वी हैव नो आंसर बट व्हाई बिकॉज इट गिव्स अस इन डिक्शनरी डिक्शनरी रे आमे देखबा दिस टा इमिति लिखा हितबो थिन डा इमिति लिखा हितबो तो एटा द हर्षकार द हर्षकार दि एटा थ हर्षकार एल एटा थिन एटा दिस तेणुक आम चार्टर सिंबल को शिखवा निहाती दरकार सो दैट वी कैन गेट राइट प्रोनाउंसिएशन ना आम आपको थीस कहवा आपको दिन कहीदे आपको दिस कहार अच्छे आपको थीन कहार अच्छे जेहेतु आमको सिंबलटा कहीदे प्रत्येक व्यक्ति आम डिक्शनरी रे ए सिंबलटा पाइबा बर्तमान यहाँ है भयस गला मु बर्तमान नेक्स्ट चार्ट देखा जोटी कंसोनांट अच्छे एटी कंसोनांट एक चौरासी चौबीस टा कंसोनांट अच्छे जोटा कि फ भ थ द स ज स ज ह प ब ट ड क ग च ज म न ग ल य व र एगुडा गला कंसोनांट जोटा कि आम व्यंजन वर्ण एथिस देखते आप मार्क करते ख ना किंतु आम सी एच आर आई एस टी आई एन ख्रीस्टियान कहचु जहाँकि आम भूल अटे वी हाव टू टेल इट क्रिश्चियन क्रिश्चियन क साउंड तेणुक ये ख ना तेणुक इंग्राजी में जदि छब्बीसटा अक्षर अच्छे किंतु इट हाज 44 बेसिक साउंड ये बेसिक साउंड को यो सिंबलिक कराई सिंबल आपने डिक्शनरी पाए यही सिंबल सहित एसोसिएट कराई ओडिया जेहेतु आपजरे डिक्शनरी रेफर कला बेलू यही सिंबल सहित साउंड को अटाच कर वार्ड एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन आपने जानपर सो दैट वी कैन गेट द टेक्निक ऑफ हाउ टू स्पीक नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर हाउ टू स्पीक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट स्ट्रेस सिलेबल इंटोनेशन एंड 44 फोनेम वर्तमान आम किपरी कहवा शिखिले या पूर्व वीडियो रे एक नंबर दुई नंबर तीन नंबर वीडियो रे काहेकि कहवा इंग्राजी इंट्रोडक्शन काहेकि कहवा कौन कहवा एवं वर्तमान शुणिले किपरी कहवा दिस इज ऑल अबाउट माय स्पोकन इंग्लिश क्लास एंड दिस फोर वीडियोस विल हेल्प यू अलॉट फॉर योर फॉर स्ट्रेंथन योर स्पोकन फ्लुएंसी किंतु प्रोवाइडेड आपण माने रेगुलर प्रैक्टिस करिवार छि जेहेतु प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट थैंक यू ऑल बिफोर कंक्लूड माय सेशन रिगार्डिंग स्पोकन इंग्लिश आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल वंस अगेन प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट you can get many more in coming days and I have given links in descriptive box so you can get the links about the details of the topic you can get it in descriptive box in spoken english video thank you